अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ गुलाब जामुन बनाने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किस तरीके से आप बहुत ही आसानी से गुलाब जामुन बना सकते हो, तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो ऐसे ही बढ़िया से गुलाब जामुन बनके तैयार होगा। देख रहे हैं कितना रसीला है ये, तो रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो आपके भी वैसे ही गुलाब जामुन बनके तैयार होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी प्रोवाइड करा रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बढ़िया बढ़िया सी रेसिपीज देख मैं अपने चैनल पर आती रहती हूँ। चलिए बिना देख के हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, बट एक लाइक ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक पैन लेते हैं और उसमें हमने 1.5 कप हमने इसमें चीनी डाला है। तो कप का ही मेजरमेंट करिएगा, जिस कप से आप लीजिएगा उसी कप से आप पानी भी डालिएगा। तो हमने 1.5 कप इसमें हमने शुगर डाला है फ्रेंड्स, तो 2 कप हम इसमें पानी डाले हैं। तो हमें इसको थोड़ा सा पकाना है फ्रेंड्स। तो याद रखिए, गुलाब जामुन के लिए जो चाशनी बनती है वो एक तार या 2 तार की नहीं बनती, बस हल्का सा गाढ़ा गाढ़ा चिपचिपा सा इसका एक ये मतलब इसकी बनती है शीरा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने छोटी इलायची का मुँह खोल के फ्रेंड्स इसमें हमने डाल दिया, लगे हाथ ये भी हो जाएगी। और जब भी आप चीनी डालिएगा तो गैस को बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, आप लगातार पैन से चम्मच से इसको पैन को चलाते रहिएगा ताकि नीचे तले में जाकर चीनी चिपकने ना पाए। तो फ्रेंड्स, 2 पिंच करीब हमने इसमें फूड कलर डाल दिया, तो हमारा रेड फूड कलर है फ्रेंड्स। और हमने 1 पिंच करीब फ्रेंड्स इसमें टाटरी डाला है। तो हमारे पास इस वक्त नींबू नहीं था फ्रेंड्स, इसलिए हमने टाटरी का यूज़ किया। आप आधा लेमन इसमें आप डाल दीजिएगा। 1/2 टीस्पून फ्रेंड्स हमने इसमें क्योरा वाटर डाला है। हाँ फ्रेंड्स, क्योरा वाटर ज़रूर डाल दीजिएगा, चाहे तो आप रंग को स्किप कर सकते हो। तो अगर आपका दिल न करे तो आप रंग न डालिए, लेकिन क्योरा वाटर ज़रूर डाल दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें खुशबू आ जाती है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम थोड़ी देर से पकाएंगे और थोड़ा सा गाढ़ा से चिपचिपा होने लगेगा तब हम इसको उतार लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बर्तन लेते हैं, उसमें 1 कप हमने इसमें मिल्क पाउडर लिया है फ्रेंड्स। 2 टेबल स्पून हम इसमें मैदा डाले हैं, 1 टेबल स्पून फ्रेंड्स हमने इसमें सूजी डाले हैं और 2 छोटी इलायची का पाउडर हमने इसमें डाल दिया था। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने थोड़ा सा घी डालना है, तो 1 से 1.5 टेबल स्पून आप डाल दीजिएगा। घी थोड़ा सा आप डाल सकते हो इसके अंदर फ्रेंड्स। और 1/4 टीस्पून इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला है, पाउडर मत डालिएगा, बेकिंग सोडा ही की हमने यूज़ किया है। तो इसमें हम दूध डालेंगे फ्रेंड्स। तो दूध हमने शुरू में 4 चम्मच ही डाला था, लेकिन इसमें 1/2 कप दूध लग गया, तो थोड़ा सा दूध को हमने संभल कर डालना है। तो थोड़ा सा धीरे धीरे जैसे में रिक्वायर्ड होगी थोड़ी थोड़ी देर पर आप इसको डालते जाइएगा। तो फ्रेंड्स, इसको हमें गूंदना नहीं है और इसका एक हमको डो तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से हम करेंगे ना, तो थोड़ी देर में ये हमारा डो बन के तैयार हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप थोड़ा सा दूध डालते जाइएगा। तो याद रखिएगा, दूध हमारा कच्चा नहीं है, ये रूम टेम्परेचर का पका हुआ दूध है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अच्छे से इसको मिला लीजिए, बट इसको आप गूंदिएगा नहीं फ्रेंड्स, बस अच्छे से एक ढोके की तरह ये हो जाए फ्रेंड्स। उसके बाद आप हाथों में ऑयल ले लीजिएगा। याद रखिएगा, इसमें घी नहीं हमको डालना है, घी डालने से थोड़ा सा ये टाइट हो जाएगा। तो हमने रिफाइंड का यूज़ किया है, रिफाइंड ऑयल का। तो आप चाहे तो आप देसी घी ले लीजिए। देसी घी मतलब बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, अगर रुपए वाले ने दिया तो देसी घी आप यूज़ करें, लेकिन हमने रिफाइंड का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, तो हाथ में इस तरीके से अच्छे से आप रिफाइंड लगा लीजिएगा और फ्रेंड्स इसको अच्छे से दबा दबा करके आप इसका छोटी छोटी आप नींबू से छोटा आप इसको थोड़ी सी गोला बना लीजिएगा, इसलिए कि बाद में ये फूलेगा। तो थोड़ा सा छोटे छोटे गोले बना लीजिएगा। वैसे मैं छोटे बड़े दोनों गोले बनाऊंगी कि मुझे अगली रेसिपी डालना है, तो बहुत जल्द मैं रेसिपी आपको दिखा भी दूंगी फ्रेंड्स, बहुत जल्दी अपने चैनल पर लोड भी करूँगी। तो इसलिए मैं इसको बना भी रही हूँ कि वीडियो भी शूट हो जाएगा फ्रेंड्स और हमारी रेसिपी भी बन जाएगी। तो अच्छे से ऑयल लगा करके फ्रेंड्स इसको आप बना लीजिएगा। ये फट भी सकता है, बट घबराना नहीं है आपको, अच्छे से थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए। अगर ये फट रहा है तो थोड़ा सा दूध आप और डाल के इसको अच्छे से मसल लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सारे गोलियों को तैयार कर लिए, छोटी बड़ी हर तरीके की आप बना लें जैसी आपको ज़रूरत हो। इधर फ्रेंड्स हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, तो घी में आप बिल्कुल भी इसको मत बनाइएगा। और फ्रेंड्स, धीरे धीरे बिल्कुल लो फ्लेम का हम यूज़ करेंगे और धीरे धीरे हम फ्रेंड्स इसमें हम ये गोलियों को डाल देंगे। तो बहुत ही लो फ्लेम में फ्रेंड्स हल्के हल्के से बबल इसमें आने लगे हैं। तो याद रखिएगा, जब ये गुलाब जामुन बनाइएगा तो फ्लेम का ख़ास ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल हमको लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है। थोड़ा पेशेंस के साथ हम इसको रेसिपी को बनाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम अगर तेज़ करेंगे तो हमारे गुलाब जामुन जल भी जाएंगे और अंदर से कच्चे होंगे। तो हमें थोड़ा पेशेंस के साथ इसको धीरे धीरे फ्रेंड्स इसको हमको फ्राई करना है। तो बहुत ही धीरे धीरे आप इसको फ्राई कर लीजिएगा, थोड़ी देर के बाद ये फोल्ड होकर ऊपर आने लगेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये देखिए आ गए हैं। तो धीरे धीरे इसको इस तरीके से आप हिला दोगे ना तो अपने आप ऊपर होकर के आ जाएंगे फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से। थोड़ी देर के बाद फ्रेंड्स ये ऊपर अपने आप आने लगेंगे, फिर आप चम्मच से धीरे धीरे आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। अब इसको आप थोड़ा सा पलट लीजिएगा ऊपर नीचे करके इस तरीके से, और ख्याल रखना कि नीचे जलने ना पाए फ्रेंड्स। थोड़ा थोड़ी देर पर आप इस तरीके से इसको पलटते जाएं, तो थोड़ा सा आप इसको बढ़िया से फ्राई कर लीजिएगा, क्योंकि गुलाब जामुन बना रहे हैं तो थोड़ा डार्क कलर का गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया लगता है। तो फटाक से फ्रेंड्स ये अच्छे से गोल्डन हो गया था, तो हम इसको अब निकाल ले रहे हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स इसको हम निकाल ही ले रहे हैं, देखिए इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स इसे किसी बर्तन में हम निकाल ले रहे हैं और इधर दूसरा वाला भी हम निकाल ले रहे हैं। फ्रेंड्स इधर ही आप दूसरे चूल्हे पर आप जो शीरा था ना उसको थोड़ा सा आप गर्म कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप निकालोगे ना वैसे गर्म गर्म आप इधर निकालिए और उधर शीरे में डाल दीजिए। तो चाशनी को आप गर्म कर लीजिएगा उसके बाद ये करिएगा। अब मैंने थोड़ा सा बाद में किया था फ्रेंड्स, इसलिए कि मतलब वीडियो शूट हो रहा है तो लगता है कहीं गिर गिरा ना जाए। तो इधर से आप निकालिएगा फ्रेंड्स और उधर फौरन गर्म चाशनी में इसको डाल दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सारे गुलाब जामुन को निकाल लिया। अब इसको हमने गर्म चाशनी में फ्रेंड्स इसको हमने डाल दिया। तो याद रखिएगा ठंडी चाशनी में बिल्कुल भी हमें नहीं डालना है, थोड़ा सा भी गर्म अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद इसको डालिएगा, गैस की फ्लेम को ऑन करके इसको आप इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से चम्मच चलाते जाइए। उसके बाद फ्रेंड्स 5 से 7 मिनट इसको आप पका लीजिएगा। तो इसको पकाना बहुत ज़रूरी है, लो टू मीडियम फ्लेम पर 2-4 बॉयल आने तक आप इसे पका लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से, अगर इसको आप नहीं पकाओगे ना तो फिर बहुत टाइट रहेगा, तो थोड़ा सा आप इसको पका लीजिएगा इस तरीके से फ्रेंड्स। उसके बाद फिर आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा और इसको ढक करके फ्रेंड्स रख दीजिएगा। तकरीबन 20 से 25 मिनट रखना बहुत ज़रूरी है, वैसे 3 से 4 घंटे के बाद ही हमें आपके साथ ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो बहुत ही बढ़िया से तैयार हो जाता है। 3 से 4 घंटे में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो गुलाब जामुन है वो शीरों को अच्छे से पी लेता है और ये बहुत ही सॉफ्ट जूसी आपका गुलाब जामुन बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हम इसको निकाल के आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो फटाक से मैं इसे निकाल लेती हूँ, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है फ्रेंड्स। लुक वाइज तो ये लग ही रहा है फ्रेंड्स और खाने में बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए बढ़िया से गुलाब जामुन हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। अब चाहें तो आप इसमें ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। ये देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ फ्रेंड्स ये कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स इसको हम सर्व करके दिखाते हैं और इसको कटिंग करके भी दिखाते हैं कि अंदर से कितना मुलायम है फ्रेंड्स। तो एक हमने इस तरीके की पेपर कप लिया था फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया होती है। तो अवतार के वक्त हम लोगों को इसकी बहुत ही ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, बांटने वटने में कटोरियाँ बहुत काम आती है। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा हमने इसमें शीरा डाल दिया, तो लुक वाइज बहुत बढ़िया लग रहा, आप सोच सकते हो इसका टेस्ट कितना बढ़िया होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, यार देखिए आप बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस वक्त मैं रोज़ा हूँ यार, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है फ्रेंड्स। बस दिल कर रहा है कि बस खा लूँ, लेकिन अब अफ्तार के बाद ही मैं नसीब होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम दूसरी प्लेट में पलट के इसको हम कट करके भी दिखा दे रहे हैं फ्रेंड्स, तो ताकि आपका भरोसा हो जाए। बहुत ही मुलायम ये हमारा गुलाब जामुन बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। अंदर तक कितना रस भरा हुआ है यह आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो बस आप जब गुलाब जामुन बनाइएगा ना तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि पेशेंस के साथ इसको बनाना है, बहुत ही धीरे धीरे आप इसको सेकिएगा, बिल्कुल भी इसमें जल्दी मत मचाइएगा। तो हमने बेकिंग पाउडर को यूज़ किया है, 1/4 टीस्पून से ज़्यादा मत लीजिएगा फ्रेंड्स। जिस चम्मच का हमने यूज़ किया है फ्रेंड्स, इस चम्मच से आप एक चम्मच आप जो इसमें हमने मैदा डाला था वो आप बढ़ा सकते हो। कोशिश कीजिएगा कि आप इसका मेजरमेंट वाले टेबल स्पून वाले चम्मच का ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वो उसका बहुत ही बढ़िया उसका मेजरमेंट रहता है, तो उसमें कभी भी आपकी रेसिपी ख़राब नहीं होगी फ्रेंड्स। तो बहुत ही बढ़िया से गुलाब जामुन की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। तो ये रसगुल्ला आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर विजिट करिए फ्रेंड्स, वहाँ बहुत ही बढ़िया बढ़िया से रेसिपीज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।